साथियों संविधान के दायरे में है तो संविधान में सबका अधिकार है, संविधान चाहे ना। तो एक कहना है हम एसटी एसओबीसी मार्टी को कि संविधान में जो अधिकार है बहाल किया जाए। नंबर एक झारखंड एक आदिवासी तो आदिवासी लोग है पांचवी छठी अनुसूची और अनुसूचित 244। साथियों आज 76 साल हो गया ये शासक वर्ग ने सब डिबेट ना किया जाए, प्रशासन से कोई लोग डिबेट ना किया जाए। समय मिल रही है घोषणा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उतना समय में संबोधित करूंगा और घोषणा कर दूंगा, इसलिए प्रशासन से कोई डिबेट ना करे। प्रशासन आपका सपोर्ट में है, किसी का प्रशासन तो अभी आप लोग किसी को कालन पकड़ा डिप्टी है डिप्टी कर रहे हैं ना, अनुच्छेद 19 में है, मैं कर रहा हूँ साथियों। देश के लोगों ने जो ओबीसी 3743 जातियां है देश में, जो जिनके कुर्मी कोरी कहा जाता है उनको संविधान का अनुच्छेद 340 में संख्या का अनुपात में रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। तो साथियों देश के शासन प्रशासन में 2.5% ओबीसी है। तो देश के ओबीसी लोगों का कहना है विकास मित्र चौधरी का आवाज की तरफ से भारतवन किया गया है, ओबीसी की तरफ से भारतवन किया गया है। तो उसका कहना है कि लोकतंत्र में जिस जाति की गिनती नहीं होती उसकी हिस्सेदारी नहीं होती, तो ओबीसी को जाति आधारित गिनती किया जाए। तो साथियों उसको क्या नाम से गिनता है, हिंदू के नाम से। और संविधान में हमको अधिकार क्या मिला है ओबीसी को, ये ओबीसी पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति। तो हमको काउंटिंग दिल्ली के नाम, दिल्ली में जो सरकार जो बैठा है क्या करता है, हिंदू के नाम करता है। तो आज हमको जाति आधारित गिनती किया जाए, लोकतंत्र में जिस समाज की जिस कौम की गिनती नहीं होती उसकी हिस्सेदारी नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, हिस्सेदारी नहीं होती। इसलिए साथियों अपना पार लिख के दिया कि हम ओबीसी का जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। तब देश का जो 52% ओबीसी है, लोकतंत्र में 51 में शेर होता है। साथियों देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के चारों जो पिलर है लोकतंत्र का, चारों पिलर में एक कौम एक जाति समाज के लोग, अपर कास्ट के लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में साथियों कहीं 80% 90% और मीडिया में 200% साथियों उनका कब्जा है। साथियों जिस सुप्रीम कोर्ट में